नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NN न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विपुल महेश्वरी। आज नए साल की शुरुआत में ये कहना होगा कि क्या से क्या होते रह गया बीजेपी का एक विधायक, बागी होते होते रह गया। क्योंकि केरल विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बीजेपी के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने विधानसभा में पारित उस प्रस्ताव को समर्थन कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग थी। और इस फैसले के बाद बीजेपी में भौचाल मच गया, क्योंकि अब तक तो विपक्षी लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी का ही विधायक अपने ही पार्टी के खिलाफ कृषि कानून को रद्द करने की मांग वाले प्रस्ताव को समर्थन दे बैठा। लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ कि उन विधायक ने अपने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया, और आखिर बाद में क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से केंद्र के तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 140 संसदीय विधानसभा के एकमात्र बीजेपी सदस्य ने भी केंद्र के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का इसे लोकतांत्रिक भावना करार करते हुए समर्थन दे दिया, और बीजेपी के एकमात्र विधायक का नाम था ओ राजगोपाल। सत्तारूढ़ CPM के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के सदस्यों ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि तीनों कानून किसान विरोधी और उद्योगपतियों के हित में हैं, जो कृषि समुदाय को गंभीर संकट में धकेलेंगे। हालांकि विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र सदस्य ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव में शामिल कुछ संदर्भ पर आपत्ति जताई, जिसे COVID-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए 2 घंटे के विशेष सत्र में पेश किया गया था। जब रामगोपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया कि प्रस्ताव में तीनों केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई है, तब भी उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही। रामगोपाल ने कहा कि मैंने प्रस्ताव का समर्थन किया, केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सदन की आमराय से सहमत है। राजगोपाल ने कहा कि वह लोकतांत्रिक भावना से है। हालांकि बाद में अपने रुख से बदलते हुए राजगोपाल ने बयान में कहा कि उन्होंने सदन में प्रस्ताव का मजबूती से विरोध किया, यानी कि यहां उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि सदन में मैंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि मैं ना तो केंद्रीय कानूनों का विरोध किया और ना ही केंद्र सरकार के खिलाफ गया, और इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, यहाँ तक राजगोपाल कह बैठे। तो अब देखने ही वाली बात यह है कि कृषि कानून का विरोध करने वाले बीजेपी के MLA आखिर यू टर्न पर कैसे आ गए और पार्टी के पक्ष में उतर गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने खुले तौर पर किया कि वे तीनों कृषि कानून के विरोध में है, लेकिन बाद में कहा कि विधानसभा में उन्होंने तीनों कृषि कानून का समर्थन किया है और किसानों को इस कानून से फायदा होगा। तो कहा यही जा सकता है कि यही राजनीति है, जहां कब भी कुछ भी हो सकता है, और इसी का उदाहरण ओ राजगोपाल बन गए।